देखिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इन सेतु योजना के तहत जो कृषि यंत्रों की है बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप बुकिंग करना है और आप बुकिंग करना चाहते हैं या फिर आप कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं सरकार की सब्सिडी के तौर पे, तो आप कैसे खरीदेंगे, क्या इसके लिए क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या वही किसान इसके लिए बुकिंग कर सकते हैं जो इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या फिर वो भी किसान जो इस पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आ जाना, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, उसके नीचे जस्ट आपको लिखा अनुदान पर कृषि यंत्रों के लिए या फिर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें, तो आपको इसी पर क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है इन सीटू योजना पर कृषि यंत्र हेतु बुकिंग के लिए, यहाँ पर क्लिक करें तो आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। देखिए बुकिंग उन्हीं लोगों की होगी जो यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वही लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो इस पर रजिस्टर्ड हैं, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वही आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको OTP भेजे वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया गया, उसे डाल के यहाँ पर आपको वेरीफाई कर देना। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर आपके मोबाइल की बुकिंग नंबर है आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लगे कृषक की पंजीकरण नंबर, तो देखिए आपको अपना यहाँ पर जो इस यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर आपको खोजे वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। अगर आपको वो नंबर नहीं पता है तो वापस आपको यूपी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिला अपना पंजीकरण नंबर जाने, आपको इसी पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण नंबर जाने इस वाली बटन पर क्लिक कर देनी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है। जैसे यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं तो देखिए आपको इतना ही फिलअप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका नाम यहाँ पर लिख के आ जाता है। तो देखिए हम मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। अगर आपका नहीं आ रहा तो आप अकाउंट नंबर के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं या फिर अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जैसे सर्च पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल ऑटोमेटिक सारी आ जाती है। अब देखिए आपको थोड़ा नीचे बढ़ के आना है। तो देखिए अभी फिलहाल में देखिए अभी यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बुकिंग चालू कर दी भी गई है, और देखिए यहाँ पे बुकिंग भी कुछ लोगों ने कर रखी है। अब देखिए बात आती है, देखिए जैसे मान लो आपको यही मशीन चाहिए तो देखिए यहाँ पे लक्ष्य देखिए 10 बुकिंग का रखा गया है। यहाँ पे 300% यानी आपको 30 बुकिंग मैक्सिमम यहाँ से हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए 11 लोगों ने बुकिंग कर भी दी है, और देखिए अभी यहाँ पर 19 हैं वो अभी बाकी हैं। और यहाँ पर देखिए टोकन की धनराशि देखिए आपको 2500 रुपये जमा करनी पड़ती है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मशीन के लिए यहाँ पर बुकिंग करना चाहते हैं, वो देखिए आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर खुलने को देखने को मिल जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मशीन की बुकिंग करना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे हम रोटरी स्लेसर मशीन की बुकिंग करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इस वाले पर क्लिक कर देनी है, और देखिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखें बुकिंग करें, आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर जैसे ही बुकिंग पर क्लिक, तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है, कृषक आपके द्वारा रोलेटरी मशीन की बुकिंग की जा रही है, कि आप इसके लिए इच्छुक हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे हाँ कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर पूछा कि आपकी पंजीकरण नंबर ये है, दिनांक इतना टाइम लिखा है, इतने समय लिखा है, और देखिए आपको यहाँ पर संख्या है 2 पर आपने बुकिंग की गई है। बुकिंग कन्फर्म करने के लिए आपको मोबाइल नंबर पर SMS से सूचित किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर धन्यवाद वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुकिंग है वो देखिए क्लियर कर दी गई है। अब जैसे ही आपका यहाँ पर नंबर आ जाता है, आपकी बुकिंग क्लियर हो जाती है, वैसे ही आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा, उसके माध्यम से आपको ब्लॉक में अपने संपर्क करना होगा, और वहाँ पर जाके जो आपकी जो धनराशि की जो टोकन थी वो पैसा है आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो दूसरे यंत्र की भी बुकिंग करना चाहते हैं तो आप दूसरे यंत्र की भी बुकिंग यहाँ से कर सकते हैं, जो भी है यहाँ पर आपके लिस्ट सामने खुल जाती है। जैसे मान लो 0 ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए आपको बुकिंग करना है, तो आपको इसी पर क्लिक कर देनी है, और यहाँ पे आपको बुकिंग करने वाली बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे लगा 0 ड्रिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के लिए आप बुकिंग की जा रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे दूसरे के लिए नहीं बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते आपको नो कर देना है। तो देखिए मुझे एक ही मशीन चाहिए तो मैंने उसके लिए बुकिंग कर दी है, अगर आपको और भी चाहिए तो आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि योजना से रिलेटेड कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने